झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, एनसीपी के कमलेश सिंह, वहीं प्रदीप यादव, निर्दलीय विधायक सरयू राय, सीपीआई एमएलए के विनोद सिंह और आजसू के लंबोदर महतो शामिल हुए। इस दौरान स्पीकर ने सभी के साथ बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की, साथ ही सभी दलों से सत्र चलाने में सहयोग करने की अपील की। तारीख से लेकर के 2 तारीख तक हमारा यह विधानसभा चलने वाला है। इन तमाम दिन में कौन सा विषय पर कैसे समय हम लोग आवंटन करें, किस तरह से चर्चा हो ताकि चर्चा का मान उच्चतम हो सके, यानी स्वस्थ चर्चा हो, स्वस्थ आलोचना हो, स्वस्थ समालोचना हो और सरकार के समक्ष प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा एक मार्गदर्शन भी होता है। लेकर के 2 तारीख तक हमारा यह विधानसभा चलने वाला है। इन तमाम दिन में कौन सा विषय पर कैसे समय हम लोग आवंटन करें, किस तरह से चर्चा हो ताकि चर्चा का मान उच्चतम हो सके, यानी स्वस्थ चर्चा हो, स्वस्थ आलोचना हो, स्वस्थ समालोचना हो और सरकार के समक्ष प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा एक मार्गदर्शन भी होता है। सारे विषय उठेंगे, छोटा सत्र हो चाहे बड़ा सत्र हो, जो मुद्दे हैं वो तो जनता के आएंगे ही आएंगे। एक तो इनको जवाब देना चाहिए, देना पड़ेगा भाई, किस कारण से 5 साल का जनादेश को 4 साल में इन्होंने खोया है और इस्तीफा देना पड़ा है। आप कुछ भी एलिगेशन बीजेपी पे लगा दिए, एजेंसियों पे लगा दिए, लेकिन ये हकीकत है कि आपको इतने महंगे वकीलों को लाने के बाद भी देश के, वो भी पैसा जो है टैक्स पेयर झारखंड के पैसा से आपने गिरह करवाया, उसके बाद भी आपको राहत नहीं मिली, इसका मतलब मैं आपने गड़बड़ियाँ की थी। तो गड़बड़ियाँ क्या थी और उस पर वर्तमान सरकार क्या पक्ष रखती है, उस पर जांच का क्या स्थिति है? और झारखंड संपादक अनुराग जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग जी, ये बताइए कि जिस तरीके से यह बजट सत्र कल शुरुआत होना है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और जिस तरीके से अमर बावरी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं वो तो उठाए जाएंगे और ये भी बताना पड़ेगा विधानसभा में सत्ता पक्ष को कि जो 5 साल का इनको जन्मत मिला था वो 4 साल में ही उन्हें क्यों खोना पड़ा है। यानी बीजेपी आक्रामक मूड में है, सर्वदलीय बैठक में जो भी कह दिए हों अध्यक्ष, लेकिन बीजेपी छोड़ने के मुद्दे में नहीं है इस बार। जी बिल्कुल, आज जब विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक की, सर्वदलीय बैठक, उसमें तमाम ये अमर बावरी भी वहाँ मौजूद थे और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सभी से सहयोग मांगा गया, क्योंकि ये बजट सत्र काफ़ी छोटा है और इसी में क्योंकि बजट सत्र आहूत करना भी ज़रूरी था और इसी वजह से ये उन्होंने सभी से मदद मांगी कि आप सभी लोग बजट सत्र में सहयोग करें और जो कार्रवाई है उसे अच्छे से सुचारू रूप से चलने दे। वही अमर बावरी का कहना है कि यह बजट सत्र नहीं है, ये लीपापोती है और हम इसका पूर्ण जोर विरोध करेंगे, सदन में विरोध करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक चीज ये भी कहा कि क्यों ये देखने वाली बात है कि पूरा 5 साल का कार्यकाल था, 4 साल में ही आपको ये बदलना पड़ गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी बीजेपी आक्रामक, हमें लगता है कि आक्रामक रुख अपनाएगी। वहीं अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने सभी से बोला है कि आप बजट सत्र को चलने दें, क्योंकि ये काफ़ी छोटा बजट सत्र है, पंचम विधानसभा का बजट सत्र है और ये अंतिम बजट सत्र होगा ये इस सरकार का भी। तो इसलिए उन्होंने कहा है, सभी से मदद मांगी है कि आप लोग इस सत्र को, कम से कम विपक्षी पार्टी से बोला है कि आप सत्र अच्छे से चलने दें, ज़्यादा हल्ला हंगामा ना हो, आप अपनी बातों को रखें क्योंकि सत्र का समय बहुत छोटा है। वहीं अगर हम हेमंत सोरेन की भी बात करें, हालांकि इस पे किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया देने से मना किया, चाहे वो अमर बावरी हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, कि ये न्यायिक मामला है कि हेमंत सोरेन ने भी सत्र में शामिल होने के लिए पीएमएलए कोर्ट में अप्लाई किया था लेकिन वो नकार दिया गया है, तो अब वो सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि एक खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है वो इसको लेके हाईकोर्ट मूव करे, क्योंकि उनके वकील का कहना है कि पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं अन्य राज्यों में कि अगर ऐसा कोई मामला होता है तो सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाती है।
तो यहाँ झारखंड में ऐसी अनुमति क्यों नहीं मिली हेमंत सोरेन को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इनके जो लीगल एडवाइजर सब हैं वो लोग हो सकता है हाईकोर्ट की तरफ मूव करें। वहीं कल से सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेके तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जी दीपक, अनुराग जी एक और बड़ा सवाल है। देखिए तमाम चीजें हैं ही, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस के करीब 8-9 विधायक ऐसे थे जो नाराज थे और दिल्ली दरबार में वो डेरा डाल रहे थे। क्या वो नाराजगी अब विधानसभा बजट सत्र में भी देखने को मिलेगी क्या इस बार? जी बिल्कुल, हालांकि तमाम जो 12 विधायक थे उनमें से 9 विधायक दिल्ली गए थे और सभी का कहना था कि हम विधानसभा सत्र में बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कल लौटने के बाद सभी के सुर बदले हुए थे और सभी ने कहा, अनौपचारिक रूप से भी सभी ने कहा है, 2 विधायकों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बजट सत्र के बाद हमें परिवर्तन के संकेत दिए गए हैं क्योंकि बजट सत्र शुरू हो रहा है और 2 दिनों में परिवर्तन करना संभव नहीं है क्योंकि कई तमाम चीजों की तैयारियां करनी होती है सत्र के पहले और तो उस समय मंत्रियों का बदला जाना संभव नहीं है। तो इन लोगों का कहना है कि इन्हें आश्वासन मिला है सत्र के बाद हो सकता है परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन अब इन लोगों का यह भी कहना है जो पहले ये कहते आ रहे थे कि हम सत्र में सत्र का हिस्सा ये लोग शरीक होंगे और सत्र में शामिल होंगे, तो पहले की तुलना में अब इनके भी तेवर नरम पड़ गए हैं और सभी से मिलके दिल्ली में सभी से मिलके ये केसी वेणुगोपाल राव और गुलाम अहमद मीर से मिलने के बाद सभी को आश्वासन मिला है कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है हो और इन लोगों का राज्य में जो इन लोगों के नेतृत्व है प्रदेश नेतृत्व से भी इन लोगों को काफी नाराजगी थी, मतलब राजेश ठाकुर, तो राजेश ठाकुर के प्रति इन लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की है और वहां पे कांग्रेस आला कमान को भी राजेश ठाकुर की शिकायत की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्र के बाद इन चीजों में परिवर्तन होता है या नहीं, या जो चारों पूर्व मंत्री रहे हैं और जो अभी फिर मंत्री बनाए गए हैं यही चेहरा कंटिन्यू होता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, मामले पर नजर बनाए रखे, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।